पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म बेटे। इससे पहले कि मैं बेटे कोई भी और टॉपिक का नाम लूं, एक बार आपको पूरे चैप्टर का बेटे ओवरव्यू बता देता हूं कि चैप्टर में टोटली है कौन कौन से बेटे सब टॉपिक्स हैं। डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के कंसेप्ट से। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है और इस इंटेंसिटी को हम बेटे कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स कौन कौन से हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए। जैसे आपका स्विमिंग रूल है, स्नो रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, इनका बेसिक समझ जरूर आना चाहिए। इसके बाद आपके पास बायर्ड सेविट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, वो स्ट्रेट कंडक्टर से लेकर सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला कंसेप्ट सारे का सारा। इसके बाद हमारे पास बेटे बात आ जाती है स्ट्रेट कंडक्टर जो है, उस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सा हम रूल अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना हमें आना चाहिए। उसके बाद दो पैरेलल कंडक्टर दिए गए हैं आपको, विल दे बी अट्रैक्टिंग ईच अदर और रिपेलिंग ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दोनों में पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, यू विल मैनेज अकॉर्डिंगली। इसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और बच्चों इसके बाद हमारे पास जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और आपका बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और बेटे सबसे जरूरी इस चैप्टर का, इस पार्ट का जो सब टॉपिक है, आपका एटम एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं और व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बोहर मैग्नीटोन, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह क्या है और अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे होता है और अर्थ के मैग्नेटिज्म में आपके कौन कौन से डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उनको हम रिस्पॉन्सिबल गिनते हैं अर्थ को मैग्नेटाइज करने के लिए। एंड फाइनली एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप आ जाएगा आपका। एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा बेटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। सो ये चैप्टर का बेटे ओवरव्यू है आपका। तो जो भी पॉइंट आपको जरूरी लगता है मुझे वो बता दो, मैं पहले वो ही करवा देता हूँ। सबसे अदरवाइज अगर हम देखें बोहर मैग्नीटोन वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। सेकेंडली आपके पैरेलल कंडक्टर्स जब आप प्लेस कर देते हो मैग्नेटिक फील्ड में, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये आपके ऑलमोस्ट प्रीवियस वाले सारे टॉपिक्स कवर कर देता है क्योंकि उसमें सारे रूल्स लग जाते हैं। और एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरियिंग करंट, उस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट अपॉन 4 pi 2 I1 I2 upon R I1 sorry I upon R साइन पाई वन प्लस साइन पाई टू, दैट इज एप्लीकेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेन एवर यू इंटेंड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। सो आप बताइए मैं कहां से स्टार्ट करूं, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू बेटा। एंगल ऑफ डिप बेटे राइट, और जी अभी हो जाएगा, और बताइए पुत्र। एंगल ऑफ डिप के बाद बोहर मैग्नीटोन म्यू बी, और पुत्र
नहीं ये तो करवा दूंगा मैं 10 मिनट में, और बताइए आप, ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं। हाँ जी, किसके वाले? कैपेसिटर के हैं आपके पास? ओके ओके, इस चैप्टर में से कोई और पार्ट आपका हो? मेजर फॉर्मूलास। ओके बेटा। हाँ जी पुत्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही काम करना है रोज हमने। अभी हमारे पास ये वीक पूरा पड़ा है, प्लस नेक्स्ट वीक भी है, और हमारा इसके बाद एक ही चैप्टर पड़ा है टर्म वन का, रिवाइज करने वाला, और वो भी दूसरी बार। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। सो प्लीज आइए। चलिए कोई बात नहीं बेटे, अगर आपका देखो आपका कोई डाउट है तो बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। मैं पहले एंगल ऑफ डिप से स्टार्ट कर रहा हूँ। डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा आप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है इसको समझने के लिए मैं बेटा, हमारा जो अर्थ है इसका रफली ये स्फेरिकल फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। ये अर्थ है आपका, और ये आपके अर्थ के बेटा नॉर्थ और साउथ पोल में से पास करती हुई लाइन, ज्योग्राफिक एक्सिस आप इनको बोल देते हो। और यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिएगा ये आपके मैग्नेटिक एक्सिस हैं, अर्थ का नॉर्थ पोल, अगर अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है रफली यहाँ पे होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, इट्स वेल नोन टू यू। इनके बीच में ये आपके जो अगर ज्योग्राफिक एक्सिस हैं, ये मैग्नेटिक एक्सिस हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड बेटे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप नहीं होता, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इसको बोलते हैं। डियर चिल्ड्रन, कई बार हमें एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक एक्सिस बनाना पड़ता है। अगर आप ये आपके मैग्नेटिक एक्सिस जो हैं इनके बीच में से और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर लें तो प्रोबेबली कुछ इस तरीके का आपका सेटअप जो है ये बेटा हो जाएगा। ये इमेजिन कर लीजिएगा आपका बेटा वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस है, ये आपका वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये चीज बेटे हमने इमेजिन कर ली। और जैसे एंगल इधर बनाया था ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और बच्चों ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, इनके बीच में ये एंगल थीटा बन गया था, आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन था। अब उत्तर बड़े ध्यान से सुनिएगा, अर्थ की सरफेस पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, गुड़िया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर, इट इज डायरेक्टेड इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ और डायरेक्टेड आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। फिर से और ध्यान से सुनिएगा, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना देगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, और अगर किसी जगह पर अर्थ की सरफेस से ये आउट डायरेक्टेड है, बाहर की तरफ है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना देगी, दैट वी मे कॉल एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आल्सो, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इनको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब बेटे ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा,
ये आपके अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आर, आर इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल बना दिया है, इसको आप एंगल ऑफ डिप बोल देते हो, और इसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल ये बेटे आ जाएगा आर कॉस डेल्टा, एंड अलोंग द वर्टिकल इट विल बी बेटे आर साइन डेल्टा। और आप अब इसका और इसका बेटे स्केयर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास था आर कॉस डेल्टा, इसका स्केयर किया आपने, वर्टिकल कंपोनेंट था आर साइन डेल्टा, इसका भी स्केयर कर दिया, दोनों को ऐड कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स का स्केयर आर स्केयर के बराबर आ जाएगा, आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के स्केयर रूट के बराबर आएगा सम के। और अगर आपको डेल्टा निकालना पड़ जाए, आप सिंपली विदाउट टेकिंग द स्केयर इक्वेशन नंबर दिस को इससे डिवाइड कर दीजिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल डेल्टा हो जाएगा जी, एंड डेल्टा दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको डेल्टा नहीं पता। सो डियर, एंगल जो भी आपके अर्थ का रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल के साथ बना देता है, दैट वी कॉल एज एंगल ऑफ डिप बेटा। और इसको मैयर करने के लिए डियर चिल्ड्रन वी मेक यूज ऑफ द डिप सर्कल, एक डिवाइस होता है आपकी लेबोरेटरी में भी पड़ा है, आप वहां पे देख सकते हो। सो इन दिस वे बेटा आपका ये एंगल ऑफ डिप था। अब थोड़ा सा बोहर मैग्नीट्रॉन की बात करके देखें, मैग्नेटिक भव्या भव्या बेटा, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट डिफाइन करोगे पुत्र, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट सोचिए सोचिए सोचते रहिए। ये आपके पास आपका मान लीजिए एटम है, एटम का ये आउटर ऑर्बिट है, ये सेंटर ऑफ द एटम है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और आपका ये आर के बराबर का रेडियस है। इमेजिन कर लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बेटे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रहा है, इट विल मीन दैट आप अगर इक्विवेलेंट करंट ड्रॉ करोगे, आपका करंट डियर चिल्ड्रन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है इसमें, सॉरी करंट आपका एंटी करंट आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा इस तरीके से। आई आप अच्छे से जानते हैं अगर आप करंट को एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, आपका वो वाला पोलैरिटी नॉर्थ बन जाया करता है, अगर आपका करंट बच्चों क्लॉकवाइज सेंस में हो तो वो वाला आपका पोलैरिटी बेटा साउथ पोल बन जाया करता है। ये शॉर्ट टर्म आपकी मेमोरी एड के लिए था, नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बनते हैं आपके करंट कैरिंग लूप की वजह से। क्लॉकवाइज टॉप से जब आप व्यू कर रहे हो, इट विल मीन दैट टॉप आपका साउथ पोल बन जाएगा, बॉटम आपका बच्चों नॉर्थ पोल बन जाएगा जी, और आपका इस केस में बेटा मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है कैपिटल एम जो है इट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा। और पुत्र जी ये आई इंटू ए के बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट आपका, जब भी करंट कैरिंग लूप आप इमेजिन करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द क्वाइल एंड द एरिया ऑफ द क्वाइल इनके प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है। और पुत्र आपका जो आई होता है, आई आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेटा, और आपका चार्ज जो है मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और टाइम विल भी बेटा आपका पूरे का पूरा सर्कुलर ट्रैक ऑर्बिटल पाथ
टू पाई आर के बराबर का है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट ऑर्बिट, और वेलोसिटी इसकी वी के बराबर है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आपका ये ऑर्बिटिंग कर रहा था। आपका आई बेटे जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको टाइम दे देगा ना, और इट विल बी ई इंटू वी अपॉन टू पाई आर। आई आपके पास निकल गया बच्चों, इस इक्वेशन में आप आई की वैल्यू डाल सकते हैं और आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है ई इंटू वी अपॉन टू पाई आर। देखिए ए कितना लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, वेरी नाइस, पाई आर स्क्वायर आपने एरिया लिखा और एक आर आपका देखिए कट गया, ठीक है जी। और आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है उसकी वजह से आपके एटम में एक मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट कैपिटल एम जो बच्चों डेवलप हुआ है, दैट इज इक्वल टू देन 1/2 बेटा एस एच इंटू ई इंटू वी इंटू आर, ये बेटे मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट आपको मिल गया। लेकिन एक आपने बेटे 11th स्टैंडर्ड में बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी हुई है आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, फिजिक्स में भी पढ़ी है। हाँ जी, इसीलिए मैं बता देता हूँ बेटा पुत्र, यस है याद बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इफ यू रिमेंबर एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन। भव्या भूल गए है ना, एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द हाइड्रोजन एटम और इन द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। याद रखिएगा, ऑर्बिटल मोशन में एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेटा, इस बात को याद रखिएगा। और एल आपका एम इंटू वी इंटू आर भी तो होता है बेटा, ऐसा है इनको, हाँ जी इनको कंपेयर कर देते हैं, वी विल गेट एम इंटू वी इंटू आर एन एच अपॉन टू पाई बेटा। आप वी आर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। एनी डाउट पुत्र, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, आप बोलो बोलो, शाबाश। ये चीजें मत देखो प्लीज। वी इंटू आर एन एच बाई टू पाई एम आ गया जी, इसमें बेटे वी आर की वैल्यू में डालने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा पुत्र बच्चे, अरे पुत्र, इसमें वी आर मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एम विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ई एन एच अपॉन टू पाई एम बेटा। पुत्र आप एम को इस तरीके से एन ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम करके लिख सकते हो बेटा। बेटे इसमें जो ये ब्रैकेट क्वांटिटी है ये वाली ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम, पुत्र एच की वैल्यू याद है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, आगे बोलिए, गुड 6 पॉइंट, हाँ बोल दो बेटे, बेटे बोल दो, हाँ? कोई नहीं बोलो तो सही, 6 पॉइंट, हाँ हाँ आगे, नहीं, पावर वाला थोड़ा गलत हो गया। आप एच की वैल्यू बता, प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ हाँ आगे 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 आगे, यस थम्स अप फॉर यू, गुड। एच आपका जो है
6.625 × −34 जूल सेकेंड, वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेल। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10^2 कितनी? माइनस, थोड़ा नीचे करके बोलिएगा, 3 1 होता है। मास है 9.1 × 10^-31 kg, याद रखिएगा बेटा, ठीक है जी। वैसे लिसन बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, आप बेटे सुनिएगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपने एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस में ये सारी वैल्यूज लिखी होती है। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इंस्ट्रक्शंस में। हाँ, क्वेश्चन में भी होती है, टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर जब स्टार्ट होता है इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट, हम स्कूल में नहीं डालते, बोर्ड वाले में आती है, उसमें सब कुछ आपको दिया होता है, तो यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट आल्सो, राइट राइट। सो ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट कर देते हो बेटा, आपका जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है m, आपका n into μb, इसको बोलते हैं म्यू बी, आपका e into h/4πm, और म्यू बी की वैल्यू 9.27 × 10^-24 एम्पियर मीटर -2 के बराबर आ जाता है। सो कीप दिस थिंग इन ऑलवेज माइंड। अगर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में, आप एन को 1 पुट कर दोगे, अगर किसी और शेल में है अकॉर्डिंगली एन की वैल्यू बदलती जाएगी, और बच्चों आपका जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अकॉर्डिंगली वेरी करता जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगेन बेटा, बेटे सारे बच्चे सुनिएगा, पुत्र जरा समझने की कोशिश करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने वाला है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाल लिया। इसी न्यूक्लियस के राउंड अबाउट एक और इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट मूव कर रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर सब कुछ आइडेंटिकल है तो पहले वाले की उल्टा हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके न्यूक्लियस के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहे, तो उसका डेफिनेटली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही ये आपका इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के राउंड अबाउट ऐसे स्पिन मोशन भी इंडिकेट कर रहा है, कोई क्लॉकवाइज या कोई एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। वो सिलेबस में आप पढ़ते नहीं है, लेकिन होगा वो भी। स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन दोनों का ध्यान दीजिएगा जरा, दोनों का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर एडिशन जानते हैं? कैसे जानते हैं आप बताइए, वेक्टर एडिशन क्या होता है गुड़िया? क्या क्या, उठ जाइए पुत्र, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं प्लस? हाँ वेरी राइट बट नॉट एब्सोल्यूटली राइट। यस आइदर यू अप्लाई ट्रायंगल लॉ, और यू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ, और पॉलीगन लॉ, और एनी अदर लॉ। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं? अब सुनिएगा, और मान लो बेटा
ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट है, ये स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट है, दोनों के बीच में एंगल थीटा आ गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इनटू दिस इनटू दिस इनटू कॉस ऑफ एंगल दिस बिटवीन द टू ऑल अंडर द रूट। तो ये जो है इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंटली आपका जो बेटे बोहर मैग्नीटोन है, म्यू बी को बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन की वजह से जितना भी मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट पोजेस करता है दैट वी कॉल एज बोहर मैग्नीटोन। न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने है, आपको पेपर में भी आ चुका है दो चार बार और आता रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम और इक्विवेलेंट टू द केस ऑफ द करंट कैरिंग लूप एज सच एज वी डिफाइंड इट अर्लियर। एक और चीज है छोटी सी, कई बार आपको वो कह देते हैं कि आप प्रूव करके बताइए कि आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप एम जो है आई इंटू ए के बराबर है। उस केस में आप एक सिंपल मैग्नेट का एंड अदरवाइज मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट निकालकर दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, हमने प्रीवियसली काफी बार किया भी है, एक बार उसको रीलुक कर लीजिएगा। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन सारे फॉर्मूलाज आइए देखें। आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले अलग अलग फॉर्मूलास, बायट सेवर्ट्स लॉ, भव्या से स्टार्ट करेंगे पुत्र। बायट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी या डीवी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेरी नाइस बेटा। सेकंड, आपका स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन पाई 1 साइन पाई 2। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एफ क्यू वी बी साइन थीटा या एफ वेक्टर इज क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लॉरेंट्स फोर्स जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक एंड ये आ जाएगा एफ इलेक्ट्रिक आपका ई इंटू ई प्लस क्यू या क्यू भी लिख सकते हो आप वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद रखिएगा, उस पे भी आ रहा हूं मैं, आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बी आई एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू बी आई मैग्नीट्यूड वाइज ही रख लीजिए, साइन थीटा इसमें आ गया है। और मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई नहीं 2 भी लिखेंगे 2 I1 I2 अपॉन आर राइट। और इसके बाद आपके पास बेटे बात आ जाती है टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क टाओ एन बी आई ए साइन थीटा। याद रखिएगा। एंड इसके बाद फिर आपकी कन्वर्शन आ जाती हैं गैल्वेनोमीटर कि एम मीटर में और वोल्ट मीटर में। सो फिर हम बेटे अकॉर्डिंगली इसको पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। थैंक यू ऑल बेटा।